तो गाइस आज हमने देखी गोविंदा, अरे ये गोविंदा नहीं, ये वाला गोविंदा, विक्की कौशल की गोविंदा नाम मेरा, जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है। तो सच कहूँ ये मूवी मैंने बस टाइम पास के लिए देखी थी, क्योंकि मेरे पास और कुछ करने के लिए था ही नहीं, इसलिए मूवी को लेकर मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी और बस यही मैं मात खा गया। इसने मुझे इतना शर्मिंदा किया जितना भूमि पाडनेकर विक्की कौशल का करती है। सॉरी ये फिल्म कॉमेडी ड्रामा रोमांस है, बट इसमें सबसे ज्यादा चीज जो चौंकाती है वो इसका सस्पेंस है। कॉमेडी तो खैर इसमें है ही, बट सस्पेंस इसका इतना चौंकाने वाला है कि आपको पूरी फिल्म देखने पर मजबूर कर देगा। तो बेसिकली मूवी की स्टोरी गोविंदा नाम के एक डांसर की है जिसकी लाइफ में पहले से ही बहुत स्ट्रगल है। एक तो उसके बंगले के ऊपर केस चल रहा है, वो भी उसके सोतेले भाई ने किया है, और दूसरा कि उसे अपनी बीवी को डाइवोर्स देना है क्योंकि उसे उसकी गर्लफ्रेंड सुकू से शादी करना है, बट बीवी है जो डाइवोर्स के लिए 2 करोड़ की डिमांड कर रही है। और इसी बीच एंट्री हो जाती है ड्रग्स की, जब गोविंदा को ड्रग्स मिलता है उसे बेचने पर गोविंदा मालोमाल हो सकता है। बट फिर बीच में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिससे वो छुटकारा पाना जाता है, उसी का मर्डर हो जाता है, उसकी वाइफ का मर्डर हो जाता है। तो फिर अब ये मर्डर किसने किया है, उसके शक के दायरे में सुई कभी इधर से कभी उधर होती रहती है, और ये सस्पेंस आपको पूरा एंड तक मिलता है जो देखने में एकदम मजा आ जाता है। और मूवी में एंट्री होती है हमारे CID इंस्पेक्टर दया की, जो पहले से ही गोविंदा के ऊपर चिड़े हुए होते हैं क्योंकि गोविंदा ने कुछ लेन देन में कुछ गड़बड़ की है उनके साथ। वो आप देख लेना मूवी में क्या गड़बड़ कर रही है। तो मूवी बीच बीच में अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है, आप खुद कन्फ्यूज हो जाओगे कि आखिर मर्डर किया किसने है, क्योंकि कोई भी दूध का धुला तो है नहीं। मूवी में अच्छी खासी कॉमेडी है, सस्पेंस पूरा एंड तक रहेगा, मूवी के सॉन्ग्स ठीक ठाक है, बट बीच में जो कैमियोज है वो आपको मजा दे देंगे। और मूवी में विक्की कौशल की एक्टिंग एज अ कॉमेडियन बहुत ही अच्छी है, और कियारा आडवाणी की भी एक्टिंग बहुत अच्छी है, बट भूमि पाडनेकर की एक्टिंग को सही से यूटिलाइज नहीं किया गया है, जो कि फिर भी ठीक ही है, जितना देखने को मिला उतना ही काफ़ी है। तो ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी है जो आपको एक अच्छा खासा सस्पेंस दिलाएगी। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये मूवी ज़रूर देखें, और गाइस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करिए अगर आपको ये पसंद आया। ऑब्वियसली पसंद आया ही होगा, बट फिर भी आप लाइक तो करोगे नहीं, बहुत तेज हो रहा है, इसलिए मैं खुद ही कर देता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।